मिस्टर अनुराग ठाकुर जी, मेरे एक एक सेकंड का बदला मैं आपसे लूंगा, वो भी आपके हलक में हाथ डालकर। ये मैं कह रहा हूं देव चौधरी, मेरा नाम देव चौधरी है, लोकतंत्र में चलाता हूं। मेरा, मैं राहुल गांधी नहीं हूं कि मैं डरूंगा, क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है और पाने को पूरा पीएमओ है। हर कोई अंजना ओम मोदी नहीं है, हर कोई तिहारी सुधीर चौधरी नहीं है। देश के कोने कोने में दलितों की हत्या, मुसलमानों की हत्या हो रही, उसको कवरेज नहीं मिलता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डीडी न्यूज में सबसे लास्ट कवरेज दो दिन पहले की है, वो है लोकतंत्र टीवी को बैन किया गया है, वो है। उसके बाद देश में कोई खबरें ही नहीं हुई है जिसको लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया के पास कोई काम हो। साथियों, उन्होंने कहा, MIB ने कहा कि तीन थंबनेल पर उन्होंने आपत्ति जताई। मैं आपको बताता हूं पहला उसमें से कौन है। कह रहे हैं कि मक्का मदीना पे हमला, नहीं बचेगा देश। ये मैंने लिखा, मैं एक्सेप्ट करता हूं। क्यों लिखा, एक्सप्लेन करता हूं। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि इस देश का प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी इस देश का सबसे बड़ा देशद्रोही है। मैं प्रूव करूंगा, आई विल प्रूव इट। इस देश की जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, ये नहीं दिखाती कि स्मृति ईरानी की बेटी बीफ बेचती है, वाइन बेचती है फॉरनर्स को, इस देश के उद्योगपति को, इस देश के टूरिस्टों को। ये कौन दिखाता है? ये आप दिखाते हैं, ये लोकतंत्र टीवी दिखाता है, ये देव चौधरी दिखाता है। अगर अंजना ओम मोदी है दिखाती तो क्या इस देश में हम जैसे लोगों की जरूरत होती क्या? मैं अपना हाथ दिखा रहा हूं, इस हाथ की लकीरों को आप देखिए, दिख रही होंगी। लेकिन नरेंद्र मोदी हाथ तक नहीं दिखा सकता, क्योंकि उनके हाथ जो है खून से रंगे हुए हैं, और वो खून है डेमोक्रेसी की हत्या। मेरे फादर किसान हैं, मेरे चाचा BSF में हैं, मेरे चाचा इंडियन आर्मी में हैं, और हमको देशद्रोह का तमगा दे दिया, जिसके मेरे ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे, अंग्रेजों से लड़े थे। जिस मुद्दे को MIB ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मंत्री मिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने पब्लिक डोमेन में छेड़ दिया है, वो भी ऐसे वक्त में जहां दो राज्यों में, जहां दो स्टेट में इलेक्शन बिल्कुल जो है सर पे बैठा है। मुझे नहीं लगता कि उसमें मैं सबसे पहला हूं। मैं ये अनुमान लगा रहा हूं इस देश की मिट्टी से, इस देश की जनता से, इस देश के जनादेश से, जिसको इस देश के प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी को सर आँखों पर रखा, आँखों पर रखा, और उस देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 5-6 चैनलों को बैन किया है जो पूर्ण रूप से भारतीय चैनल है। उसमें मेरा नाम पहले है। आपको मालूम होगा कि आज से ठीक 2 साल पहले, यानी कि 30 दिसंबर 2020 को इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति कारोबारी मिस्टर गौतम अडानी जी ने डिफेमेशन, मैं नहीं डरा। साथियों, ये आज मेरे पे हमला है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये सिर्फ मेरे पे हमला नहीं है, ये आप पर हमला है, जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है, जो लगभग, मैं तो बिहार से आता हूँ, जो 13 करोड़ बिहारियों की अस्मिता की लड़ाई है, जिसको मैं लड़ रहा हूँ, और ये लड़ाई यहीं तक थमने वाली नहीं है। अगर इस देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ये सोच रहे हैं कि लोकतंत्र टीवी की आवाज़ को दमी जोत कर देंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जो एक पूरा फ्रीडम स्पीच है, जो जिसका काम आप लोग कर रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही है, तो वो सोच रहे हैं कि लोकतंत्र टीवी को डराने से आपको भी डराने की जहमत की जाएगी, तो वो ऐसा गलत सोच रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टर मिनिस्टर मिस्टर अनुराग ठाकुर, वो कह रहे हैं कि ये लोग देश विरोधी हैं, एंटी नेशनल हैं, देश के विरोध में खड़ा है ये लोग। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, मिस्टर अनुराग ठाकुर जी, मेरे एक एक सेकंड का बदला मैं आपसे लूंगा, वो भी आपके हलक में हाथ डालकर। ये मैं कह रहा हूं देव चौधरी, मेरा नाम देव चौधरी है, लोकतंत्र में चलाता हूं। मैं राहुल गांधी नहीं हूं कि मैं डरूंगा, क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है और पाने को पूरा पीएमओ है। यानी कि इस देश पे, ये मैं पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, इस देश का प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो PM नहीं है, वो किंग ऑफ इंडिया है, जो एक डिक्टेटरशिप चलाना चाह रहा है। वो चाह रहे हैं कि भारत की जो रियासत है, अलग अलग हिस्सों में जो रियासत है, जिसको स्टेट कहा जा रहा है, उस पर वो कब्जा करना चाहते हैं। किस रूप में? एक हिटलर शाही छड़ी लेकर। तो
तो ऐसा नहीं होगा, माफ कीजिएगा। हर कोई अंजना ओम मोदी नहीं है, हर कोई तिहारी सुधीर चौधरी नहीं है। आप हमारी आवाज को, आप हमारे जैसे तमाम साथियों को जो हमें कवरेज कर रहे हैं, आपके कोई लोग, खास लोग जिसको आप अपने साथ घुमाते हैं, फिराते हैं, और जिसका एक जीता जागता सबूत बिहार की धरती ने दिया है बायकॉट गोदी मीडिया का, वो इसमें नहीं है। ये हमारी आवाज जो है देश तक पहुंच रही है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो आप हमें, हमारे जैसे टीवी चैनलों को, सोशल प्लेटफॉर्म को दबा कर आप चाहते हैं कि गुजरात को जीत जाएंगे, आप चाहते हैं कि हिमाचल पर आप, हिमाचल को आप कब्जे में ले लेंगे, तो गलत फहमी है। जिस क्रांति की शुरुआत अब तक नहीं हुई थी, उस क्रांति का आगाज आज आपने कर दिया है। वो भी किसको हथियार बनाया है? MIB को, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। वो कह रहे हैं, अनुराग ठाकुर का सचिव कह रहा है कि पूरी की पूरी मॉनिटरिंग मेरे हाथों में है। माफ कीजिएगा अनुराग ठाकुर जी, हिसाब लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को। इस देश का सबसे बड़ा वकील, नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, जब फर्स्ट आर्गुमेंट होगा सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको पता चल जाएगा। और देश में जो एक भ्रामक प्रचार किया जा रहा है गोदी मीडिया के द्वारा, मोदी मीडिया के द्वारा, उनकी उनको झटका लगेगा जब ये फर्स्ट आर्गुमेंट होगा। इस देश का सबसे बड़ा वकील, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इस देश का सबसे बड़ा वकील लोकतंत्र टीवी के लिए, और जो इस देश को, इस देश के डेमोक्रेसी को, इस देश के इंक्लूसिव भाईचारे को, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवाज़ उठाई जाएगी। मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को पूरा व्यवस्था है। मैंने आपको दिखाया कुछ भारतीय जनता पार्टी, कुछ BJP के स्पोक्स पर्सन, कुछ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिसका तमगा लगा है, पार्टी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस से बड़ा फंडिंग आता है, इनके पास BMW मर्सिडीज है। हमने दिखाया कि हम किस अवस्था में रहते हैं, और मैं रिपीट करता हूं कि मेरे घर से अच्छा खाना तिहाड़ जेल में बनता है। मुझे फक्र होगा, मुझे खुशी होगी इस बात का कि मैं इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, या हमारे जैसे साथी बचाने के लिए तिहार में कुछ चंद दिन भी गुजार लेंगे तो हमारे फक्र की बात होगी। मेरा नाम देव चौधरी है और मैं बिहार से आता हूँ। एक बिहारी 100 पर भारी है, इस बात को याद रखिएगा। इस लड़ाई को आपने, जो बिहारी का तमगा आप कह रहे हैं कि बिहार से आता, आप इसको दबा देंगे? हम लड़ेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, भीख मांग कर लड़ेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से। साथियों, कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। क्या होता है, एक प्रोसेस है, एक प्रोसीडिंग है कि आपको कैसे बैन करेंगे वो लोग। सबसे पहले आपको सूचना देंगे ईमेल के जरिए कि आप भ्रामकता फैला रहे हैं। अगर हम फैला रहे हैं, आप भ्रामकता फैला रहे हैं, आपको बात करनी होगी या MIB में, या जो भी एक प्रोसीड होता है। ऐसा कुछ नहीं किया गया। 200 ईमेल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा YouTube को भेजा गया, जिसका रिवर्ट वो लोकतंत्र टीवी के ऑफिशियल ईमेल पे आता है कि देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 200 ईमेल्स भेजे हैं आपको, वो भी बैन कराने के लिए। इस देश में एक यूट्यूब को बंद करने के लिए 200 ईमेल भेजे जा सकते हैं, लेकिन देश के कोने कोने में दलितों की हत्या, मुसलमानों की हत्या हो रही, उसको कवरेज नहीं मिलता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि DD न्यूज में सबसे लास्ट कवरेज 2 दिन पहले की है, वो है लोकतंत्र टीवी को बैन किया गया है, वो है। उसके बाद देश में कोई खबरें ही नहीं हुई है जिसको लेकर इन मेन स्ट्रीम मीडिया के पास कोई काम हो। साथियों, उन्होंने कहा, MIB ने कहा कि तीन थंबनेल पर उन्होंने आपत्ति जताई। मैं आपको बताता हूं पहला उसमें से कौन है। कह रहे हैं कि मक्का मदीना पे हमला, नहीं बचेगा देश। ये मैंने लिखा, मैं एक्सेप्ट करता हूं। क्यों लिखा, एक्सप्लेन करता हूं। मैंने उस वक्त ये कह रहे हैं कि मक्का मदीना जो है, हमारे हिंदू भाई जो BJP के लोग हैं, जो जिनका पेट है, जो आज वो भूल गए हैं कि क्या देश में चल रहा है, वो कह रहे हैं कि मक्का मदीना मकेश्वर महादेव है, शिव शंकर का अड्डा है, उस पर हमला करेंगे और मक्का मदीना को कब्जा करेंगे, क्योंकि वो अखंड भारत का सबसे बड़ा हिस्सा है,
ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश के हिंदू जो धर्म में डूबे हुए वो कहते हैं। तो मैं कहता हूं कि मक्का मदीना पे आप हमला करेंगे, आप इस्लाम पर हमला करेंगे, आप इस धर्म पे हमला करेंगे, तो जो इस्लामिक देश में जो इस हिंदुस्तान के गरीब हिंदू मुस्लिम रहते हैं, रिक्शा पुलिंग करते हैं, कार चलाते हैं, ड्राइवर है, उसका क्या होगा? नुपुर शर्मा के मामले में आपने देखा पूरा पूरे विश्व में जो अरबिक कंट्री है 53 या 52 उस देश में खलबली मच गई, लोग भागने लगे। क्या आप ऐसा माहौल चाहते हैं? अगर ऐसा माहौल है तो मैं ये लिखता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। दूसरा, एक सोशल एक्टिविस्ट है, उन्होंने कहा कि देश अगर देश का प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जैसा बच्चा अगर मेरे वाइफ के कोख से पैदा लेगा, इस तरह की बातें थी, मोदी जैसा पति नहीं चाहिए, मोदी जैसा भाई नहीं चाहिए, मोदी जैसा पिता नहीं चाहिए, अगर इस तरह की बातें हैं तो इससे अच्छा है कि मोदी जैसा बेटा पैदा नहीं हो, मोदी जैसा बच्चा पैदा है। मैं वही कहा, इसमें क्या गलत है? कह रहे हैं कि लोकतंत्र टीवी देश का सबसे बड़ा देशद्रोही है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि इस देश का प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी इस देश का सबसे बड़ा देशद्रोही है। मैं प्रूव करूंगा, आई विल प्रूव इट। इस देश का सबसे बड़ा देशद्रोह मिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है, और जब इस प्रूव करने की बारी होगी तो मैं मोदी को प्रूव नहीं करूंगा, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह प्रूव करूंगा कि इस देश का सबसे बड़ा देशद्रोही नरेंद्र मोदी है। क्या है पैमाना इस देश का जो राजा है किंग ऑफ इंडिया, इसके पास पैमाना क्या है? क्या पैमाना तय करती है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी? क्या है इसके पास पैमाना कि ये हर किसी को देशद्रोही कहे? किस आधार पर? मैं एक बार फिर कहता हूँ कि जिस पर नरेंद्र मोदी ने देशद्रोही का तमगा लगाया है उस व्यक्ति ने इस देश का इतिहास रचा है। इंशाअल्लाह ताला मैं भी इस देश में इस इतिहास रचने वाला हूँ। मुझे फख्र है इस बात का कि इस देश में जब लिखा जाएगा भारत भाग्य भविष्य लिखा जाएगा तो नरेंद्र मोदी का काले अक्षरों में नाम अंकित होगा, और वहीं मेरा जो है स्वर्णिम अक्षरों में नाम अंकित होगा कि इस देश के योगदान में जहां सारे लोग खामोश थे, जो मरते हुए डेमोक्रेसी के लिए कोई खड़ा नहीं हो पाया, उस वक्त मैंने खड़ा होकर आवाज़ बुलंद की और इस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के खिलाफ अपनी आवाज़ को पुरजोर तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बात हमने रखा है, सोमवार को फाइल होगी। मिस्टर अनुराग ठाकुर जी, मिस्टर स्मृति ईरानी जी, आपकी बेटी बीफ बेचती है, 200 ईमेल्स में से एक ईमेल्स ये भी था कि स्मृति ईरानी जी की बेटी जो है बीफ बेचती है, ये इस पर आपत्तिजनक जो है मेल आया है, आपत्तिजनक नहीं कहेंगे, एक मेल आया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यूट्यूब को गया, यूट्यूब ने रिवर्ट किया लोकतंत्र टीवी पे। इस देश की जो मीडिया है मेनस्ट्रीम मीडिया ये नहीं दिखाती कि स्मृति ईरानी की बेटी बीफ बेचती है, वाइन बेचती है फॉरनर्स को, इस देश के उद्योगपति को, इस देश के टूरिस्टों को। ये कौन दिखाता है? ये आप दिखाते हैं, ये लोकतंत्र टीवी दिखाता है, ये देव चौधरी दिखाता है। अगर अंजना और मोदी है दिखाती तो क्या इस देश में हम जैसे लोगों की जरूरत होती क्या? ये जो प्लेटफॉर्म एक प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वी आर ए प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर। मैं आलोचक हूँ, मैं कह रहा हूँ आई एक्सेप्ट कि मैं इस देश के किंग ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी का आलोचक हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं इस देश का विरोधी हूँ। इस देश में पैदा हुआ, इस देश में मिलना तय है। मैं इंडिया का विरोध नहीं करता हूँ, मेरे दादा फ्रीडम फाइटर थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। मैं इस देश के भारतीय जनता पार्टी जो किंग ऑफ इंडिया में उनके खिलाफ लड़ रहा हूँ। तो साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस देश की जन जन जनता जो एक छोटे से अदने से बिहारियों पे जो कलंक लगा है कि ये एंटी नेशनल है, देशद्रोही है, इसको दबाया जाए, तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, अनुराग ठाकुर जी MIB मिनिस्टर, स्मृति ईरानी जी, मैं आपसे नहीं डरता हूँ, मैं आपसे नहीं डरता हूँ। मेरे एक एक सेकेंड का हिसाब आपके हलक में हाथ घींच के मैं एक एक मिनट का हिसाब लूंगा, एक एक सेकंड का हिसाब माननीय सुप्रीम कोर्ट में लूंगा, क्योंकि वो हमारे साथ न्याय संगत व्यवहार करेंगे। आप क्या हैं मिस्टर मोदी, किंग ऑफ इंडिया, मिस्टर ठाकुर, आप क्या हैं?
आपकी बात मैं नहीं मानता हूं और आपको मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता हूं। मिस्टर मोदी, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, आप किंग ऑफ इंडिया हैं जो डेमोक्रेसी को कुचल कर आप पहुंचे हैं। दूसरी बात, मेरे हाथ देखिए, मैं अपना हाथ दिखा रहा हूं, इस हाथ की लकीरों को आप देखिए, दिख रही होंगी, लेकिन नरेंद्र मोदी हाथ तक नहीं दिखा सकता, क्योंकि उनके हाथ जो है खून से रंगे हुए हैं और वो खून है डेमोक्रेसी की हत्या और इस लोकतंत्र की हत्या करके आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं अपने हाथ को भी नहीं दिखा सकते। मैं इस देश का जिम्मेदार नागरिक हूं और मैं ये कह रहा हूं, मेरा दायित्व है कि इस देश को बचाने के लिए मेरी सांसें जो है अंतिम सांसें तक इस देश के लिए लड़ेंगी और मैं आपको कुर्सी पे बैठने नहीं दूंगा। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर मोदी, मैं कहता हूं कि आप कुर्सी छोड़ो, मैं कहता हूं आप गद्दी छोड़ो, तो आप मुझ पे देशद्रोह लगा देंगे, आप मुझे देशद्रोही करार देंगे। ये न्याय संगत व्यवहार है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का काम है कि आप किसी को भी देशद्रोही का तमगा दे देंगे? पैमाना नहीं आपके पास, आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते नहीं हैं, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते तक नहीं हैं, आप तब्दीलियां करने की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहता हूं, मैं लड़ूंगा आपके खिलाफ। साथियों, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देव चौधरी जी, इतना आसान है जहां विपक्ष नहीं लड़ पा रही है सरकार के खिलाफ, क्या एक मामूली सी अदना सा बिहार का लड़का लड़ पाएगा? लड़ेंगे ना, ये बिहारियों की बात है, हम थोड़ी लड़ रहे हैं। कौन कह रहा है कि देव चौधरी नहीं लड़ रहा है? देव चौधरी के पीछे बिहार 12 करोड़ जनता है, वो लड़ेगी। और देव चौधरी के पीछे जो एक इंक्लूसिव डेमोक्रेसी है जिसको बचाने की मुहिम है, वो लड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट लड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लड़ेगा। नरेंद्र मोदी से चैलेंज है, मैं कह रहा हूं कि मैं चैलेंज करता हूं, वो लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन, ये भारत का संविधान लड़ेगा। हमारे पूर्वजों ने लिखा है संविधान, मुझे फख्र है, मुझे प्राउड है कि हमारे पूर्वजों ने हिंदुस्तान भारत का संविधान लिखा है जिसके कोने कोने तक नरेंद्र मोदी नहीं है, इसलिए मैं लड़ूंगा। दलित मुसलमानों की खबर आप दिखाते थे अक्सर, मीडिया से गायब रहता था, तो क्या मतलब उसकी सजा मिली है? क्या सजा है या ये क्रांति है, आप तय कर लीजिए ना। मतलब आप क्या कह रहे हैं, क्रांति? ये क्रांति है, ये पहली क्रांति है। याद कीजिए ना, 2020-30 दिसंबर नरेंद्र मोदी ने अडानी को कहकर मुकदमा कराया, क्या हुआ, जीता कि नहीं? मैं इनके आकाओं से लड़ सकता हूं तो मैं नरेंद्र मोदी से भी लड़ सकता हूं। आका है नरेंद्र मोदी के अगर अडानी, मैं इनको डिफीट कर सकता हूं, मैं इनसे जीत सकता हूं, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, माफ कीजिएगा, किंग ऑफ इंडिया से भी लड़ूंगा मैं। हौसला कमजोर नहीं हुआ? लड़ेंगे यार, लड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, इनका थोड़ी, हम लड़ेंगे ना, इनको कह रहा हूं मैं, आप लड़िए, आप देश के सबसे बड़े देशद्रोही हैं, मैं प्रूव करूंगा, आई विल प्रूव इट इन सुप्रीम कोर्ट। क्या लगता है आने वाले समय में जो सोशल मीडिया है जो वो खबर दिखाती है जो मिनिस्ट्री नहीं दिखाती, क्या उनका भी नंबर आने वाला है, उनका भी? अभी अभी सचिव जो हैं MIB मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सचिव हैं, उन्होंने ये जारी किया है, एक बयान जारी किया है, उसमें वो कह रहे हैं कि पूरी की पूरी सिस्टम, पूरा का पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम हमारे पास है, मैं हर एक महीने में शट डाउन कर रहा हूँ, मैं हर दो दिन में शट डाउन कर रहा हूँ। और ये वो भी कह रहे हैं कि गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, जो भी सोशल साइट्स हैं, वो हमसे बड़े मोहब्बत से बात करते हैं, अगर मैं उनको कोई रिक्वेस्ट करता हूँ तो वो बंद कर देते हैं। मैं उनकी गलतफहमी दूर कर दूँ जरा एक मिनट में। वो ये है कि अगर MIB मिनिस्टर के सचिव अगर कोई बात को गलत कहने के लिए ट्विटर ऑफ इंडिया या YouTube ऑफ इंडिया को वो मेल भेजते हैं, तो वो रिवर्ट मेल आपको आएगा, यानी कि आप जो भी कंप्लेन होगा उसके पास आएगा, उसके बाद वो जवाब तलब करते हैं। आप जवाब तलब नहीं कर पाएंगे जब आपके पास 200 ईमेल्स आएंगे, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, संविधान है जो हमारे बाप दादाओं ने बनाया है, हम उससे लड़ेंगे। ये देशद्रोही का जो तमगा देते हैं, मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ। मेरे फादर किसान हैं, मेरे चाचा BSF में हैं, मेरे चाचा इंडियन आर्मी में हैं, और हमको देशद्रोह का तमगा दे दिया, जिसके मेरे ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे, अंग्रेजों से लड़े थे, तो हम इनसे लड़ेंगे, मेरे अंदर उनका खून है, हौसला है। इंसाफ, इंसाफ विद इन 1 month के अंदर रिजल्ट मिलेगा। और ये षड्यंत्र कॉन्स्पेरेंसी है, ये सोचते हैं कि आप जो है लोग हैं ना, आप हिमाचल चले जाएंगे, आप गुजरात चले जाएंगे कवर करने के लिए, इसलिए वो आपसे डरते हैं। यकीन मानिए मेरा, इस देश का जो भी लोग हैं जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, जो मेनस्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाई जाती है, नरेंद्र मोदी आपको देखते हैं और उसके बाद एक्शन के मूड में आते हैं, फिर सोचते हैं कर दो। दरअसल इस बार वो गलत जगह पे फंस गए हैं, वो देव चौधरी से टकरा गए हैं, वो बिहारियों से टकरा गए हैं, जो एक एक बिहारी 100 पे भारी पड़ने वाले हैं। क्यों? अरे क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? न्यायपालिका पे वो देश है, वो
इंडियन खड़े होते हैं न्यायपालिका पे। नहीं नहीं नहीं, वो दौर चला गया, अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हम भी खामोश, आप भी खामोश, बोलेगा कौन, सोचेगा कौन? तो न्यायपालिका जो है वो राम मंदिर है, वो मस्जिद है, वो इस देश का आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। वहाँ न्याय मिलेगा, वहाँ न्याय मिलेगा, और नरेंद्र मोदी जी हारेंगे। तो क्या लग रहा है कि सरकार और ये सिस्टम जो है बदले की भावना में लोकतंत्र? ऑब्वियसली ऑब्वियसली, ये लोकतंत्र हिटी भी नहीं, नंबर आपका भी आएगा जाहिद भाई, सबका आएगा। या आखिर वो जो 200 मेल भेजे गए हैं, उसमें कहीं तो मेंशन होगा कि क्यों आपके लोकतंत्र टीवी को बैन किया गया है प्रूफ के साथ? मुझे आज तक ये भी नहीं पता चला कि मुझे क्यों गौतम अडानी ने मुझे मेल 9 दिन के लिए चैनल बंद किया था, और 5 करोड़ का डिफेमेशन आज तक नहीं आया। बाद में मैं कोर्ट गया तो मेरे को मालूम चला कि कोई मामला ही नहीं है। तो देख सकते हैं, तो मैं इनका सवाल का जवाब दे दूं, तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया मैडम MIB से, कोई भी नोटिफिकेशन मेल पे नहीं। अगर मुझे कंप्लेन आपके बॉस को करना है तो मेल करेंगे ना, नंबर नहीं है, मेल कर देंगे भैया, ऐसा ऐसा बात है, लेकिन मेल नहीं किया गया है। डायरेक्ट एक्शन है, ANI ने ट्वीट किया है, 12:54 पे ट्वीट किया है, उसके बाद 2 घंटे के बाद जो है शटडाउन, ऑफिस पे ताला लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बकरीद को लेकर आपने बकरीद पे तो भारतीय जनता पार्टी ने पाबंदी लगाई है। मैं आ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने भी स्वागत किया था बकरीद का, और साफ सफाई में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ये थंबनेल एक तरह से फेक बताया गया, इस पर क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, माफ कीजिएगा, मैं ये पॉइंट भूल गया था, आपने याद दिला दिया। तो वो जो पॉइंट है कि कह रहे हैं कि बकरीद मनाने पर लगाई रोक, यही था ना? तो क्यों लगाई? आप ये देखिए, कह रहे हैं कि पॉल्यूशन फैलेगा, बकरियां काटी जाएंगी, जानवरों की हत्या होंगी। अचानक जो हमारे अंदर छुपा होता है हमारा मार्मिक ज्ञान, वो खुलकर बाहर आ जाता है। तो इस वजह से कहा कि आप बकरीद नहीं मना सकते। नहीं, मैं आपको एक मिनट, आ रहा हूँ आपके पास, वो बहुत पुरानी वीडियो। वो कह रहे हैं कि कोविड का भी समय चल रहा है, बकरीद आप नहीं मना सकते हैं, कई जगह बैन कर दी गई, कई जगह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चूँकि वक्ता ने, स्पोक्स पर्सन ने वो बात कही थी कि बकरीद मनाने पर रोक लग गई है, तो मैंने वो हेडिंग दिया। और दूसरी बात, मैं आपको बात को और क्लियर कर देता हूँ। हम लोग जो है, जब हम लोग वीडियो चलाते हैं तो उसमें साफ सुथरे शब्दों में लिखा जाता है, तमाम लोग आप जानते होंगे कि जो इस प्लेटफॉर्म पे जो बात रख रहे हैं लोग, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो इसका जिम्मेदार कौन? मैं, आप लोग नहीं, मैं कह रहा हूँ। तो ऐसा हम लोग नोटिफिकेशन लिख के करते हैं कि भाई जो बोल रहा है वो जिम्मेदार। तो जो बोल रहा है सोशल एक्टिविज्म है, वो जो बोल रहे हैं वो देश के नागरिक हैं, वो पाकिस्तान से नहीं, अफगानिस्तान से नहीं है, माफ कीजिएगा, वो इस देश के नागरिक हैं। आप उससे जवाब तलब कर सकते थे, क्योंकि उनकी बात जो है आज तक पे नहीं रखी जाती, उनकी बात मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं रखी जाती है। तो मैंने ये साफ कहा कि अगर आप हमारे चैनल पे बोल रहे हैं तो आपको अगर जवाब तलब करना है तो आप उस व्यक्ति से कीजिए, ना कि मुझसे, क्योंकि मैं उस पर साफ सुथरे बोल्ड अक्षरों में लिखा है किसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, आप वक्ता जिम्मेदार है, ये मैंने कहा है। इसको भी आपने नज़रअंदाज किया। और एक शब्द में आपको, एक लास्ट में, जिस व्यक्ति ने मेरे चैनल पे बोला है, संजय जी हो, रविकांत जी हो, मनमोहन जी हो, उन्होंने भी बात रही कि तीनों लोगों पे FIR है, वो और गांधीनगर जो है गुजरात में, वहाँ उनकी केस जो है लॉज हो चुकी है FIR, और लगातार लोग जो हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश में फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कहा जाता है शूट आउट, गोली मारो, इस देश के साधु संत कह रहे हैं, उसको देशद्रोही नहीं बताया जाता है। लेकिन जब आप दलितों की बात रखेंगे, आप मुसलमानों की बात रखेंगे, तो आपको देशद्रोही कहा जाएगा। आपने कहा कि वीडियो में जिम्मेदार है बोलने वाला, हाँ, लेकिन थंबनेल की जिम्मेदारी तो आप लेंगे, ठीक है? नहीं, हाँ, मैं बता तो रहा हूँ कि थंबनेल की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन जो कहा है वही चिपकाया है। इशू तो थंबनेल पे, मैं कह रहा हूँ ना कि जो बोला है वो मैंने लगाया है। मैं आपके सवाल का जवाब उसमें से, मैं आसमान से तोड़ कर, इधर उधर से तोड़ कर नहीं लिखा उस पे। सर, अगर आप कह रहे हैं कि बकरीद मनाने पे रोक लगाने की साजिश है, तो मैंने लिखा है ऐसा है। अगर किसी ने कहा है मक्का मदीना, मकेश्वर महादेव है, शिव शंकर है, तो मैंने कहा है कि देश को खतरा है इससे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का।